डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव हो रहे हैं शिमला नगर निगम की अगर हम बात करें, और इससे पहले जो है सतपाल सत्ती ने तमाम पार्षदों के साथ मुलाकात की है, उन पार्षदों से बातचीत की है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होने हैं, उससे पहले जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जो है तमाम पार्षदों से एक एक करके, 21 पार्षद है, 21 पार्षदों से एक एक करके जो है उनकी राय जानी है, उनके विचार जाने हैं, उनकी पसंद जानी है। तो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले पार्षदों के विचार लिए गए, पार्षदों की राय जानी गई सतपाल सत्ती की ओर से। इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं, उमेश शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर। उमेश, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव होना है, इसके लिए पहले से ही जो है चर्चाएं भी की जा रही हैं, और सतपाल सत्ती ने भी पार्षदों से मुलाकात की है, बातचीत की है, क्या कुछ रहा इस मुलाकात के दौरान? बहुत मुश्किल वक्त में बीजेपी खड़ी है, क्योंकि जितने भी पार्षद, तमाम पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर बनना चाहते हैं। 2.5 साल का जो एक फॉर्मूला था, 2.5 साल के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का में जो जो बने थे उनको बदल के नए चुनाव होना था, उसी फॉर्मूले के अंदर ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी है। इसके लिए एक दिन का समय बचा है और इसी बीच में ये निर्णय होना है। इसी बीच में भाजपा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कोई ऐसी आम राय बनाई जाए कि जिसमें दो नामों पर सहमति बने, मेयर और डिप्टी मेयर पर सहमति बने। लेकिन मसला यह है कि तमाम जितने 21 के 21 भाजपा पार्षद है वो तमाम दावेदार हैं, उनमें से कोई मेयर हो तो कोई डिप्टी मेयर बनना चाहता है। भाजपा इसी कवायद में लगभग महीने भर से लगी है कि कोई आम राय बनाई जाए, लेकिन आम राय फिलहाल बनती नहीं दिख रही है। इसी का ये नतीजा है। बिल्कुल उमेश, जो 2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला है उसके बाद हर कोई मेयर और डिप्टी मेयर बनना चाहता है, जो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस के खेमे में भी हलचल है इसे लेकर। देखिए, जिस तरह से भाजपा में गतिरोध पैदा हुआ है, कांग्रेस बिल्कुल करीब से इस गतिरोध को देख रही है और कोशिश ये उनकी है कि भाजपा के अंदर जो गतिरोध होता है उसका फायदा उठाया जाए। चुनाव में कहीं क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है तो क्रॉस वोटिंग कराई जाए, तो तमाम ऐसी घटनाक्रम है। इसमें कांग्रेस जो नेतृत्व थे वो भी नजर लगाए हुए हैं, हालांकि इनके पास आंकड़ा नहीं है, इनके पास लोग कम है, लेकिन जरूर ये कोशिश कांग्रेस खेमे की तरफ से की जा रही है कि भाजपा के अंदर अगर कोई गतिरोध बढ़ता है, कोई आम सहमति नहीं बनती है, तो कहीं उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। फिलहाल अभी आज के दिन ये प्रक्रिया चलनी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के तमाम पार्षदों को बुलाया, उनके साथ मुलाकात की जाएगी और उम्मीद यह की जा रही है कि वहां कोई एक फॉर्मूला तय होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखें, मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं, देखना होगा क्या कुछ चुनावों के दौरान निकलकर सामने आता है।